वर्ल्ड कप के 40वें मैच 2 जुलाई 2019 को भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 314 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 104 और राहुल ने 77 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड कप में उनका यह तीसरा मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। वे इस अवार्ड को सबसे ज्यादा 3 बार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपना 4th शतक लगाया। वे वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। साथ ही वे इस वर्ल्ड कप में 7 इनिंग में 4 सेंचुरी और 1 अर्धशतक की मदद से कुल 544 रन बनाकर टॉप पर पहुंच गए। 2015 के वर्ल्ड कप में संगकारा ने 4 सेंचुरी किया था और उस रिकॉर्ड का बराबरी करते हुए 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 4 सेंचुरी किया। उन्होंने सौरव गांगुली के 3 शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। गांगुली ने 2003 में 3 शतक लगाए थे। भारत के गेंदबाज हार्दिक पांडे ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। बांग्लादेश ने 48 ओवर में 286 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन 74 गेंद में 66 रन बनाए और आखिरी ओवर में साबिर रहमान और सैफुद्दीन ने 66 रन की साझेदारी की। साबिर रहमान बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 36 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। सैफुद्दीन मैच को अंत तक खेलकर 31 बॉल में 61 रन बनाए और नॉट आउट रहे। बॉलिंग में मुस्तफिजुर रहमान 10 ओवर में 59 रन देकर 5 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 3rd बार हराया। टीम इंडिया के 8 मैच में 13 अंक हो गए। वह अंक तालिका में 2rd स्थान पर बरकरार है। दूसरी ओर इस हार के साथ ही बांग्लादेश की उम्मीदें खत्म हो गई। आने वाला 41वां मैच 3 जुलाई 2019 इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। कल का मैच दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी मौका है।